हाय नमस्कार, वेलकम वेलकम अगेन टू दिस लाइव प्रोग्राम। आई आशीष स्पेंसर फ्रॉम दीवान VSIHM वेलकम्स ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं सब आप लोग? आई होप ये दिवाली का सीज़न है तो सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से चल रही है दिवाली को लेकर के लिए। और हम आपके लिए फिर से एक दिवाली स्पेशल रेसिपी लेकर के आए हैं जो आज हम बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास ये अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अमूल ब्रांड इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनल ब्रांड्स। हाय ईच एंड एवरी वन ऑफ द पीपल हु आर जॉइनिंग इन, माई सेल्फ आशीष स्पेंसर। यस, सो आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग रेसिपी बताने जा रहे हैं। जैसे आप लोग सबको मालूम है कि दिवाली का सीज़न है और हम लोग दिवाली स्पेशल चीज़ों को, मिठाइयों को अपने घरों में प्रिपरेशंस को कर रहे होंगे। सो उसी को लेकर के एक बहुत सिंपल सी रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए सोची है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपने घर में बनाएं इसको। आई होप जो हमने पीछे रेसिपीज बताई थी शायद आपको अच्छी लगी होंगी, आपने घर में बनाई होंगी। एंड वी ऑल वॉन्ट दैट All of the viewers should be benefited from what we bring for you people. So let's start with the recipe. आज जो हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली का सीज़न है, आप घर में भी बना सकते हैं और अपने जो near and dear ones हैं उन्हें gift भी कर सकते हैं। And this recipe can be easily given as a gift on Diwali. We are making today chocolate naan khatai. Naan khatai मुझे मालूम है सबकी बहुत फेवरेट रेसिपी है और हमारे उत्तर प्रदेश में नान खटाई जो है वो बहुत अच्छे से बहुत लार्ज स्केल में मनाई जाती है, तो मेरे ख्याल से सबको नान खटाई अच्छी लगती है। उसी का एक वेरिएशन है चॉकलेट के साथ, चॉकलेट नान खटाई जो हम बनाने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी, नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम बिकॉज दो तीन मिनट हम वैसे ही लेट हो चुके हैं बिकॉज सम ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी, आई विल शो यू द इंग्रेडिएंट्स। मैं यहाँ पर अमूल का घी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमें मालूम है नान खटाई बनाने के लिए जो बेस्ट और जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है घी। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर 80 ग्राम घी लिया हुआ है, अमूल का घी, विच यू कैन सी हियर। क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है इसलिए थोड़ा सा इसको मेल्ट करके रखा हुआ है, हल्का सा सॉफ्ट करके रखा हुआ है। देन आई हैव टेकन 80 ग्राम्स ऑफ घी अलॉन्ग विद 80 ग्राम्स ऑफ शुगर। शुगर जो है मैंने बिल्कुल जितनी फैट है हमारे पास उतनी ही शुगर मैंने ली है, 80-80 ग्राम फैट और शुगर लिया है। 125 ग्राम्स मैंने यहाँ पर मैदा लिया है यानी रिफाइन फ्लावर, इसको छान लिया है अच्छे से और इसको मैं यूज़ करूँगा। फिर मैंने वन टेबल स्पून ऑफ बेसन आई हैव टेकन हेयर, जिसको कि मैं इस्तेमाल करूँगा रेसिपी के अंदर। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर बिकॉज चॉकलेट वेरिएशन है और चॉकलेट फ्लेवर हमें देना है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग कोको पाउडर। एंड साथ ही साथ 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा बिकॉज जब भी आप डालते हैं कॉर्नफ्लावर इस तरीके की प्रिपरेशन में, इट मेक्स द प्रोडक्ट क्रम्बली और डेजर्ट लाइक टेक्सचर देने के लिए काम में आता है कॉर्नफ्लावर। और उसी के साथ साथ नान खटाई में मैं उसको उठाने के लिए मैं 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों साथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट व्हाट आई हैव टेकन। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मेकिंग द रेसिपी। सबसे पहले हम जो घी है उसको लेंगे, एक बोल में, मिक्सिंग बोल में हम घी को लेंगे और क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है तो आप हल्का से इसे रूम टेम्परेचर पर रख के सॉफ्ट कर सकते हैं। यू वॉन्ट सॉफ्ट घी, सॉफ्टेंड घी का हमें इस्तेमाल करना है। एक्सक्यूज मी शेफ, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, यस, दैट वी कैन यूज ऑयल और एनी वनस्पति घी टू मेक नान खटाई। ऑयल का तो इस्तेमाल आप अवॉइड ही करें, लेकिन वनस्पति यूज करते भी हैं तो फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। जैसे डालडा वगैरह है यूज कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर इतना फ्लेवर, उतना अच्छा जो टेस्ट और टेक्सचर है वो नहीं आ पाएगा। सो प्रेफरेबली यू यूज घी ओनली, जो कि डेयरी प्रोडक्ट है हमारा। सो डेयरी प्रोडक्ट से जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। मैं सबसे पहले घी को हल्का सा क्रीम कर रहा हूँ इसको बनाने के लिए। आई एम क्रीमिंग दी फैट
क्योंकि घी है हमारे पास। इसी के साथ साथ मैं इसमें कैस्टर शुगर यानी कि बूरा जो है हमारे पास चीनी का कैस्टर शुगर, हम फाइन वाले भी ले सकते हैं नहीं तो नॉर्मल बूरा भी ले सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट एडिंग, थोड़ा थोड़ा कैस्टर शुगर डालते जाएंगे और साथ में इसे क्रीम करते जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रीमिंग, हमें फैट और शुगर को क्रीम करना है। Chef, there is another question. Yes. That what is the quantity of ghee? Ghee 80 grams ghee and उतना ही sugar है मेरे पास। ये one mixing छोटी recipe है जो कि आप अपने use के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। So you can see creaming of ghee and sugar साथ में, या आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा टेक्सचर हमारे पास आ रहा है घी और शुगर का साथ में। कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर, नो लम्स शुड बी देयर। स्मूथ मिक्सचर बनना है, सॉफ्ट क्रीमी मिक्सचर बनना है। Chef, there is another question from the audience. Yes, that please. That we will use margin. Margin again, मैंने बताया vegetable origin से जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे उसमें बन तो जाएगा, लेकिन वो flavor और वो taste, वो texture नहीं आएगा जो कि आपका dairy product के साथ आएगा, जो कि घी है हमारा। और अमूल का घी आपको मालूम है quality wise it is one of my favorites. So you have to cream these things nicely. I am standing at the porch of Diwan VS Institute of Hotel Management और बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पर। So we are all enjoying Diwali season. सभी लोग बनाएं खाएं और नान खटाई तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, खाई भी जाती है। एक्सक्यूज मी सर, देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस दैट वी कैन यूज इलेक्ट्रिक बीटर। यस यस ऑफ कोर्स, बट इलेक्ट्रिक विस्कर यूज करेंगे तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा पर्सनल टच, हाथ से जो काम करते हैं उससे टेक्सचर भी और चीज़ों का पता रहता है, तो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग। अदरवाइज यू कैन यूज इलेक्ट्रिक वन ऑल्सो, नॉट एन इशू। सो हल्का फुल्का जब लाइट टेक्सचर आने लग जाए सो यू कैन सी हियर एक बहुत ही अच्छा लाइट एंड फ्लफी मिक्सचर मेरा यहां पर रेडी हो रहा है। I am doing it for all of you. Okay. So, it's almost ready now. मैं अब जो है इस मिक्सचर में जो मेरा क्रीम मिक्सचर है घी और शुगर का, इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करूंगा वन बाय वन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट ऑफ विद, मैं बेसन से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा हम बेसन डालेंगे, जितना भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपका बाद में इकट्ठा जाएगा। सबसे पहले मैंने बेसन डाला है, फिर कोको पाउडर, हालांकि आप चाहो तो फ्लावर के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, बट यू कैन गो इन एनी ऑर्डर जैसा भी आप चाहें।
मैदा, रिफाइंड फ्लावर जो कि सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है, इसको अब मैं ऐड कर रहा हूँ। साथ में इसके मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगा। सब सारे के सारे चीज़ें मैं एक साथ ही आई प्रेफर टू ऐड देम। एंड बेकिंग सोडा लास्ट, यू कैन सी हियर। सो मैदा एंड ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, यहां पर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे, जो कि क्रीम, फैट और शुगर के मिक्सचर में मैंने डाल दिए हैं। सो आई विल जस्ट मिक्स देम सो अब मैं इसको हाथ से आगे मिक्स करूंगा। नाउ ये जो मिक्सचर है इसको आपने बेलना सॉरी गूंदना नहीं है, ओके नीडिंग नहीं करनी है, जस्ट बाइंडिंग करनी है। नीडिंग से क्या होगा, जो फ्लावर है उसके अंदर जो ग्लूटेन होता है दैट स्टार्ट्स डेवलपिंग, सो वी डू नॉट वांट दैट। वी वांट अ प्रॉपर बाइंडेड मिक्सचर, यू कैन सी यहां पर। मैं घी के साथ बाइंडिंग कर रहा हूं। कैन आई गेट सम मिल्क, मिल्क और वाटर थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि जो आपका मिक्सचर है दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि हमें प्रॉपर बाइंड करना है एक बार और अपने हाथों से ही। अभी हल्का सा क्रम्बली है, इन टाइम वी आर गेटिंग सम मॉइस्चर टू ऐड इन द डो। मैं इसकी डो बना रहा हूँ नान खटाई के लिए। यू कैन इफ एनी ऑफ द क्वेश्चंस इफ एनी कैन बी asked meanwhile, I'll add a little bit of moisture for binding. So I'll be using Amul milk. थोड़ा सा Amul milk का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ for binding the mixture. Chef, there is question from the audience. They want to ask the each ingredient's quantity. Each ingredient's quantity, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, equal quantity of fat and sugar, 80 ग्राम, 125 grams of refined flour, 1 tablespoon of besan, 1 tablespoon of corn flour, 1 teaspoon of baking soda and baking powder, and 1 tablespoon of cocoa powder, obviously because it is a chocolate variation. So इसकी binding आपने करनी है, proper binding of the dough. एक smooth सा dough आपके पास आपको मिल जाएगा, that I will just show you. आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी बाइंडिंग मैंने कर ली है। नीडिंग नहीं करनी है, सिर्फ बाइंडिंग करनी है केवल। सो द डो इज रेडी। इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट कर सकते हैं। सो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए डाल देंगे एंड वील गेट द रेडीमेड वन। सो द मीन टाइम वी गेट द, इसको फ्रिज में थोड़ी देर रखेंगे 10-15 मिनट ताकि सेट हो जाए, और उसके बाद फिर हम डो को निकाल के और उसके बाद फिर इसे हम
जो नान खटाई का जो शेप है वो हम देना देंगे. सो मीनवाइल वी गेट इफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी साइड. नान खटाई एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इट इज़ वन ऑफ द शॉर्ट ब्रेड्स. नान खटाई मतलब नान का मतलब ब्रेड होता है और दोनों ही जो है मुगलई ओरिजिन से है, टर्किश ओरिजिन से हैं ये. और नान का मतलब होता है ब्रेड, खटाई का मतलब है बिस्किट. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट ब्रेड जो कि हम इंडियन कन्फेक्शनरी में बनाते हैं. So we got the dough here. So इस dough को हम हल्का सा again with the hands set करेंगे, mellow down करेंगे. Now we are going to process it into naan khatai shape. वी कैन थोड़ा सा अगर आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो आप वेइंग स्केल पे इसको कर सकते हैं. 30-35 ग्राम या डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस जो भी साइज आपको चाहिए, अगर आपको इक्वल वेट एंड पोर्शंस रखने हैं. सो यू कैन मेक राउंडल्स, छोटे छोटे राउंडल्स हम बना लेंगे. इसको इस तरीके से आप ज्यादा ओवर हैंडलिंग नहीं करनी है, ज्यादा मोटा नहीं बेलना है, जस्ट विद द एक्शन ऑफ योर हैंड्स यू कैन सी. बिकॉज इसके अंदर जो खस्तापन है इसकी वजह से इट्स टेंड्स टू फॉल अपार्ट. सो हैंडलिंग ऑफ द डो इज लिटिल बिट, कैन वी शो द कैमरा हेयर इन द पोस्टिंग आई एम डूइंग. अब इसको हम बेकिंग के लिए डालेंगे. हमने अवन को प्री हीट करके रखा हुआ है एट 180 डिग्री सेल्सियस तक इसको आपने हीट करना है. बेकिंग टेम्परेचर एंड टाइम विल बी अराउंड, कम से कम आपको इसे आधे घंटे से 35 मिनट तक इसकी बेकिंग करनी है. सो आई एम जस्ट शोइंग यू 4 पीसेस हेयर यहां पर. और इसको ऊपर गार्निश करने के लिए थोड़े से आलमंड्स को मैंने फ्लेक किया हुआ है. आलमंड फ्लेक्स आई एम यूजिंग जस्ट टू टॉप देम अप. सो ऊपर से आलमंड्स डाल के हल्का सा मैं इसको प्रेस करूंगा. सेम विद द सेकेंड वन. ये बस 4 आपको मैंने बना के शो करे हैं. सो इट इज अ नाइस दिवाली प्रेपरेशन एंड गिफ्ट ऑल्सो. आप गिफ्ट भी कर सकते हैं इसको. सो द टॉप आई हैव गार्निश्ड विद आलमंड्स. प्रिपेयर्ड बेकिंग ट्रे जो कि मैंने लाइन की हुई है एंड नाउ इट इज गोइंग फॉर बेकिंग इन द ओवन. इसको जब तक हमने बेकिंग के लिए डाल दिया है, आई विल शो यू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. आई विल शो यू द फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कि हमने प्री बेक करके रखा हुआ है. आई होप द रेसिपी इज इंटरेस्टिंग. यानी आप अपने घर में ट्राई करें, इसे बनाएं, खाएं, दोस्तों को दें, गिफ्ट करें. नाइस डेलीगेसी फॉर योर किड्स ऑल्सो, बिकॉज चॉकलेट का फ्लेवर ऐसा है जो कि सभी लोगों को पसंद आता है और स्पेशली बच्चों को और रिलेटिव्स को, आपस में फ्रेंड्स को देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. एंड ट्राई इट आउट एट योर होम. इट इज गोइंग टू बी अ प्रोमिसिंग रेसिपी दैट आई हैव टोल्ड टू यू. शेफ, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस. यस, दैट वी कैन यूज दिस मेक नान खटाई फ्रॉम गैस. या यू कैन मेक एन अरेंजमेंट. अब अरेंजमेंट आपको बनाना पड़ेगा. आप एक कुकर ले सकते हैं, उसके नीचे या तो सॉल्ट या सैंड वगैरह यूज करके उसे हीट करके हल्की आंच पे, मीडियम फ्लेम पे उसे हीट करेंगे अपरेटस को, और उसके अंदर आपने बेक कर सकते हैं ढक के ऊपर से. दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट मॉनिटरिंग की जरूरत है बिकॉज टेम्परेचर आप नहीं देख पाएंगे. सो गैस जो है या हीट जो है बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखनी है. मॉडरेट हीट पे इसको रखना है.
So we are getting the ready-made product which we already have baked. Chef, there is another question. What is the baking time? Baking time is 30 to 35 minutes. हो सकता है 40 मिनट भी लगे. So you can see we have already baked this naan khatai and size has also increased and a sumptuous. आप देख सकते हैं नान खटाई. It is a good item to be gifted. अच्छा gift item है जो कि आप gift भी कर सकते हैं and easily made at home. Crispy, crumbly and a nice promising recipe of chocolate naan khatai. So this is from my side, from Chef Spencer's side. Chocolate naan khatai. Thank you all for watching the recipe. एंड अगर आप लोग बनाते हैं अच्छा फीडबैक आपको लगता है कि कुछ अच्छा लगा आपको सो यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑल्सो यू कैन फॉलो मी. थैंक यू. हैव अ नाइस इवनिंग. नाइस. थैंक यू शेफ फॉर योर वंडरफुल रेसिपी. थैंक यू. कैन वी एंड द सेशन.